लाइव आ रहा है जी। डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी हुई है? नहीं 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 वो मैं नहीं कर रहा हूँ। भाई मोहम्मद ज़फ़र इज चलो डिस्क्रिप्शन बाद में डालूंगी। अस्सलामुअलैकुम ज़फ़र सिक्योरिटीज की तरफ से हम लाए हुए हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ और डिस्कस करते हैं आज मार्केट के हालात तैयब के साथ। जी तैयब, आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया? जी आज के ट्रेड सेशन के अंदर हमने देखा कि मार्केट जो है हमने पॉजिटिव बिहेवियर को कंटिन्यू किया हुआ है और आज 100 इंडेक्स जो है वो 364 पॉइंट इजाफे के साथ 41,909 की सतह पर बंद हुआ और जो टोटल टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया आज के डे के अंदर वो 222 मिलियन का रहा। जी और वॉल्यूम लीडर शेयर्स कौन से रहते हैं? जी वॉल्यूम लीडर्स के अंदर आज जो नुमाया शेयर्स हैं उनमें सबसे टॉप एक रशिया इलेक्ट्रिक है 34 मिलियन के साथ, इसके साथ साथ पीटीसी 11 मिलियन के साथ, एंग्रो पॉलीमर 10 मिलियन के साथ, फोजी सीमेंट जो है 10 मिलियन के साथ और लोटे केमिकल जो है 8.7 मिलियन के साथ नुमाया शेयर्स है। जी और तो ये कल के लिए मार्केट को कैसा देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग और कहां तक इंडेक्स जो है वो क्लोज होगा? जी मार्केट की जो करंट रेजिस्टेंस है 43,500, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 43,000 से 44,000 तक का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है मार्केट इसको अचीव करेगी। और कल की मार्केट में SNGP एंड DJKC बाय करना चाहिए या इसको भी होल्ड? या जी SNGP जो है 94 से 95 की रेंज में बाय करना चाहिए। जी नेक्स्ट सर TRG टारगेट प्राइस बताइएगा और बाइंग बनती है क्या इसमें? जी TRG का जो करंट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 32 रुपए के आसपास है। जी एंड वर्ल्ड कॉल टारगेट प्राइस? जी वर्ल्ड कॉल का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 3.5 रुपए के आसपास है। DSL टारगेट प्राइस सर? जी DSL का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 12 रुपए के आसपास है। जी DCL टारगेट प्राइस सर? DCL का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 20 रुपए के आसपास है। जी नहीं कराची इलेक्ट्रिक को कैसा देख रहे हैं और व्हाट अबाउट EPCL? जी कराची इलेक्ट्रिक काफी बेहतर नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है तो जबकि एंग्रो पॉलीमर कोई खतरे का सपोर्ट बनाने में कामयाब नहीं हुआ जब से कंपनी जो है वो एक्सपेंशन का प्लान किया है। जी लोटे केमिकल थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव कर रही है जहां पर जो इब्तदाई रेजिस्टेंस होगी वो 8.5 रुपए के आसपास है। जी और नेम सर जैसे कि SMBL कल हमारी रिकमेंडेशन में भी था और इसकी टारगेट प्राइस क्या होगी? जी SMBL की हालिया जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 3.5 रुपए के आसपास है। जी और नेम सर एनी कमेंट्स अबाउट ATRL, कैन वी बाय ऑन करंट लेवल?
अटेक फाइनरी जो जो करंट उसका रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 250 रुपए के आसपास है। और एंग्रो टारगेट प्राइस एंग्रो का हालिया जो टारगेट है वो तकरीबन 290 रुपए के आसपास है जी। और नेम सर आतिफ इकबाल आपसे जानना चाह रहे हैं डीजे केसी के बारे में कि इसके लिए आपके व्यूज क्या है। जी डीजी खान सीमेंट में आज हमने देखा कि काफी दिनों के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रहा, जहां पर स्टॉक जो है वो डेली ग्राफ पर थोड़ा सा होल्ड बॉट है तो इस वक्त 145 से 150 रुपए के दरमियान अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। ट्राईपैक फिल्म के बारे में बताइएगा। ट्राईपैक जी इसका जो स्टॉक है काफी स्मूथ चल रहा है काफी पिछले ऐसे से, और टेक्निकली जो इसका करंट पॉसिबल टारगेट है वो 160 से 170 रुपए के अराउंड होगा जी। और सदा पूछ रही है एचटीएल और पीएसओ बहुत हाई रेट पर है, मेरे पास बाय करना चाहिए क्या इसको? एचटीएल का जो करंट टारगेट है वो 78 से 80 तक पॉसिबल है, और पीएसओ का जो करंट टारगेट है जो इसके स्टॉक रेजिस्टेंस 310 से 315 रुपए के ऊपर मौजूद है। एंड डीएफएमएल की? जी डीएफएमएल की 32 से 33 रुपए के ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है। स्पेल का टारगेट प्राइस क्या होगा? एसपीएल जी एसपीएल का जो करंट पॉसिबल टारगेट है वो 18 से 19 रुपए के ऊपर है जी। जी FFL जो है अभी थोड़ा सा उसमें वेट कर ले बिकॉज का स्टॉक जो है काफी स्मूथ रन में और अभी स्ट्रगल में है, सर्वाइव कर रहा है, सो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर अच्छा शेयर है देन आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी करंटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे थोड़ा सा अवॉइड करें जी। और फराज शेख पूछ रहे हैं PTCL व्यूज। जी पीटीसी के अंदर जो इसका फर्स्ट टारगेट है 13.5 से 14 रुपए के ऊपर, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और बाइको में कितना बाय करना चाहिए? जुनेद इकबाल पूछे हैं। बाइको जी बाइको जी बाइको जो है आप करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, उसके जो फर्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा 14.5 से 15 रुपए का होगा जी। और नहीं सर FABA टारगेट प्राइस जी FSO बैंक का जो टारगेट प्राइस है वो काफी 2-3 जो टाइम फ्रेम है उसमें डिफरेंट है, जहां पर शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट प्राइस तकरीबन 25 रुपए है जबकि मिड टर्म के लिए आप 29-30 रुपीस का इंतजार भी कर सकते हैं जी। और नेम सर ASL टारगेट प्राइस। ASL का हालिया जो रेजिस्टेंस है वो 19-20 रुपए के आसपास है। पावर और HMB सर कौन सा है? HMB है इसकी टारगेट प्राइस बतानी है। जी HMB हबीब मेट्रो बैंक जो है उसका इस वक्त जो इनिशियल टारगेट है वो तकरीबन 36 से 37 रुपए है, जबकि पावर सीमेंट का जो पॉसिबल रेजिस्टेंस होगा वो 10.5 रुपए प्लस का है। सर ASL टारगेट प्राइस। ASL अभी बात हो रही थी उसका जो अभी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 19-20 रुपए के दरमियान पॉसिबल हो सकता है जी। और सेवा शकील पूछ रही है MLCF को किस रेट पर बाय किया जाए? जी मैपल लीफ को इस वक्त तकरीबन 65 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, जहां पर स्टॉक जो है वो अभी तकरीबन 80 रुपए के आसपास एक पॉसिबल रेजिस्टेंस भी रखता है जी। और नेम सर रोशन पैकेजेस फॉर 3 मंथ्स।
जी रोशन पैकेजेस का जो हालिया रेजिस्टेंस लेवल है करंट वो तकरीबन 42 रुपीस के आसपास है जी। पीपीएल सर पीआईबीटीएल एट ट्रेड टारगेट प्राइस जी टीपीएल इस वक्त 6.5 से 7 में स्पोर्ट को बनाए हुए हैं जबकि पाकिस्तान बल्क टर्मिनल काफी अकोमोडेशन में चल रहा है 14 रुपए की सपोर्ट के बाद तो इब्तदाई जो टारगेट है वो तकरीबन 18 रुपए के आसपास है। एंड ट्रेड सर जी ट्रेड का हालिया जो प्रॉफिट टेकिंग या रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 40 रुपए है जबकि स्टॉक मिड टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है जी। और सर पैनल की सपोर्ट क्या होगी जी पॉक इलेक्ट्रॉन का जो इस वक्त सपोर्ट है वो तकरीबन 46 रुपए का है जी। एंड द एएनएल सपोर्ट लेवल सर जी एएनएल का हालिया जो सपोर्ट है वो तकरीबन 13 से 12.5 रुपए के आसपास पॉसिबल है सर। एफसीसीएल कैन बाय एट करंट प्राइस जी एफसीसीएल में फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। सर इंटरनेशनल स्टील को बाय करना चाहिए और किस रेट पर बाय किया जाए जी। इंटरनेशनल स्टील जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स पे उसको इस बात की तरफ इशारा किया कि 110 रुपए पे काफी रेजिस्टेंस है जहां से स्टॉक ने थोड़ा सा फ्रोथ का दबाव भी देखा जबकि इसी इसना में जो एक सॉलिड सपोर्ट है वो तकरीबन करंट 100 रुपए के आसपास है जी। सर काजी मोहम्मद जहीर पूछ रहे हैं पीएफ फॉर 6 मंथ्स जी पीआईओसी पीएफ पायनियर सीमेंट जी। पायनियर सीमेंट का इस वक्त जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक ने अपने 50 दिन की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस लेवल को इस वक्त सपोर्ट बनाया हुए है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 100 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का लेवल रेजिस्टेंस का वो तकरीबन 76 रुपए के आसपास है। और तो ये वेव पाकिस्तान का टारगेट प्राइस बताइएगा जी। इसका जो करंट पॉसिबल टारगेट है ये 1500 से 1600 तक के दरमियान होगा। और एसएसजीसी एंड एसएनजीपी की सपोर्ट एंड टारगेट प्राइस एसएनजीपी जो है उसकी टारगेट प्राइस जो है वो 100 के अराउंड होगी और एसएसजीसी की जो फर्स्ट टारगेट प्राइस और रेजिस्टेंस जो स्टॉक को देखने को मिलेगी वो 33 से 34 रुपए के ऊपर होगी। किन पावर सीमेंट टच 10+ जी पावर सीमेंट की जो करंट रेजिस्टेंस है वो 10.5 से 11 रुपए तक पॉसिबल। और तो ये बीसीएल कैसा शेयर है बीसीएल जी स्टॉक जो है करंटली थोड़ा सेलिंग प्रेशर के अंदर है सो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अभी इसमें जी। ठीक है और शेल सपोर्ट क्या होगी जी। शेल की जो है 300 रुपए के ऊपर एक सपोर्ट मौजूद है इस रेट के ऊपर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इसकी जी। और ये शॉर्ट टर्म शेयर्स कौन से रेकमेंड करेंगे आप इसमें दीवान सीमेंट है और मिजान बैंक है इसके साथ ओजीडीसी है ये आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इनकी इनको किस रेट पर बाय किया जाए जी ये करंट रेट पर बाय कर सकते हैं। ठीक है और टारगेट क्या होगी फिर इनकी जी। ओजीडीसी जो है वो 185 से 190 रुपए तक एक्सपेक्टेड है जी। और डीसीएल जो है उसकी 21 से 22 रुपए तक टारगेट प्राइस है और मिजान बैंक जो है वो 75 से 76 के ऊपर पॉसिबल उसके टारगेट है। आरपीएल के अपने रेट पर वापस आ सकता है जी काफी एक जब से लॉन्च हुआ उसके बाद से वो डिक्लाइन का शिकार है अभी तक जो है दोबारा वो अपने हाई को टच नहीं कर पाया सो स्टॉक काफी टाइम ले सकता है। अच्छा अगर इसको 86.25 पर बाय किया गया है तो कितने टाइम में ये वापस आ सकता है। यही पहले बात हुई कि दोबारा से इसने तो अपने हाई को अभी तक जो है वो दोबारा से टच नहीं किया और स्टॉक जो है काफी ज्यादा अपनी वैल्यू को लूज कर चुका है सो काफी एक लॉन्ग पीरियड इसको रिक्वायर्ड होगा वापस अपने इस प्राइस की तरफ मूव करने के लिए। ठीक
ठीक है। और तैयार बीओपी किस प्राइस पर बाय करना चाहिए? जी, बीओपी जो है 8 रुपए के ऊपर इसकी एक्सपोर्ट है, 8 रुपए 50 पैसे, 8 रुपए के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। टीआरजी सेल टारगेट क्या होगा? जी, टीआरजी को 32 से 33 रुपए के ऊपर इसका फर्स्ट टारगेट प्राइस होगी। अच्छा, डीएसएल जो है वो शॉर्ट टर्म में कहाँ तक ऊपर जा सकता है? जी, 11.5 से 12 रुपए तक इसकी एक रेजिस्टेंस है स्टॉक को, 12 रुपए के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ताहिर नवाज साहब, थैंक यू, आपने हमें काफी लेट तो ज्वाइन किया है, लेकिन आपके जो शेयर्स हैं वो हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं तैयब और नईम सर के साथ। आप पावर सीमेंट के बारे में भी नईम सर ने अपनी अपने व्यूज शेयर किए हैं। आप एक मिनट पर प्लीज हमारी वीडियो को देख लीजिए स्टार्ट से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने शेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर आप हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। और आईएसएल का भी ताहिर नवाज साहब बता चुके हैं, नईम सर इसकी टारगेट प्राइस भी बताइए और इसका फ्यूचर भी बताया। और एसटीपीएल बताइएगा नईम सर। जी, स्टिक टेन प्लेट इस वक्त 32 रुपए के आसपास एक अपनी रेजिस्टेंस को बनाए हुए है, तो जबकि उसका पॉसिबल नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो तकरीबन 35 से 36 रुपए का है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो। जी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें और अच्छे व्यूअर्स जो हैं वो मिल सके और हमारे पास और अच्छे क्वेश्चंस आ सके, जिनसे आपके भी लर्निंग होगी, आप भी एजुकेट होंगे और आपको भी उन शेयर्स का भी व्यूज जो है वो नईम और नईम सर और तैयब के जान सकेंगे। और नईम सर, अटक रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट बनती है क्या? जी, अटक रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा मजीद एक डिप का इंतजार करना चाहिए नई सरमायाकारी के हवाले से। थैंक यू नईम सर। वेलकम। फर्दर क्यूरीज आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, और हमारे पास जितने भी व्हाट्सएप के नंबर थे वो सारे ऐड हो चुके हैं अब तक जितने भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं। और हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा। और थैंक यू, कल फ्राइडे है, हम अपने टाइम पर 5 o'clock ऑनलाइन आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।